अंशुल जुबली ने मार्शल आर्ट में फिलीपींस के जैक्सन को दूसरे राउंड में नॉकआउट करने पर पदक चैंपियनशिप हासिल की है। जीतने के बाद महासू मंदिर हनोल वह पहुंचे, जहां पर उनका ढोल धमाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बड़े गौरव की बात है जिसने फिलीपींस के फाइटर को हरा कर भारत का नाम रोशन किया है। वे अपने परिवार सहित रविवार को महासू मंदिर हनोल में पहुंचकर देवता का आशीर्वाद लेने के लिए आए, जिसके बाद उन्होंने भंडारा भी कराया। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेल के प्रति ज्यादा जागरूक होना चाहिए। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की भी अपील की है। चक्राता से महेश रावत की रिपोर्ट। अंशुल जी, ये बताएं, आज आप हनोल पहुंचे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? मैं बहुत बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। महाराज के मुझे दर्शन करने थे, मैंने उनसे मन्नत मांगी थी कि मैं जब ये रोड टू एफसी फाइनल जीत जाऊंगा तो उनके द्वार में फिर आऊंगा, और मैं पहुंचा और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है महासू देवता के पास आने। आप युवाओं को क्या मैसेज देने चाहेंगे? मैं युवाओं को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए, अगर आप फोकस एक चीज़ में रखोगे तो दूसरी और चीज़ों में कम जाएगा। हमारे युवाओं में आजकल नशा बहुत चल रहा है। मेरी कोशिश है कि ये मैसेज देने की कि अगर आप स्पोर्ट्स में ध्यान दोगे और स्टडीज़ में अच्छे से ध्यान दोगे तो इन चीज़ों में आपका ध्यान कम जाएगा। अभी आप खेलने गए थे, कहाँ गए थे खेलने? मेरी लास्ट फाइट थी वो वेगस में थी, लास्ट वेगस यूएसए में, अमेरिका में। तो वहाँ पे मैं अराउंड 10 दिन रहा, और फाइट के बाद 2 दिन के बाद मैं फिर वापस उत्तराखंड लौटा। तो आगे आप क्या करने, किस तरह की फाइट करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनूँ 3 से 4 साल के अंदर अंदर। तो मेरा प्लान यही है कि मैं फ़ाइट करते रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइट खेलते रहूँ। मेरा इस साल 4 फाइट और खेलने का प्लान है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मई में मैं फिर से फ़ाइट खेलूँ जो सिंगापुर में होने वाली है। तो यही प्लान है कि धीरे धीरे। नहीं, अभी आपने कौन सा पदक जीता है? मैंने रोड टू यूएफसी का टाइटल जीता है, जो कि एशिया के बेस्ट फाइटर्स के बीच में एक कॉम्पिटिशन हुआ था, जिसमें चाइना, जापान, कोरिया और बड़े ऐसे एशिया के बेस्ट फाइटर्स आए थे, और आपस में कम्पीट करके 8 मंथ्स टूर्नामेंट था, जो जीतेगा उसको यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो मैंने रोड टू यूएफसी का टाइटल जीता है।